हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार 3 तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना सामाजिक न्याय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बीते 4.5 वर्षों में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। जनमन को समझने वाली मेरी सरकार ने पहले दिन से ही काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी और कैबिनेट की पहली बैठक में काले धन के खिलाफ SIT यानी विशेष जांच दल के गठन का निर्णय लिया। इसके बाद सरकार ने काले धन के खिलाफ नया और कठोर कानून बनाया। इन कार्रवाइयों के बीच सरकार ने लोगों को अपनी अघोषित आय और अघोषित धन को स्वेच्छा से घोषित करने का अवसर भी दिया। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन जो व्यवस्था से बाहर था उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। GST से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जिसका काफ़ी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। मैं देशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद देश के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया। मेरी सरकार ने व्यापार जगत से मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखकर GST में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा है। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। विश्व पटल पर जहां एक ओर भारत हर देश के साथ मधुर संबंध का हिमायती है, वहीं प्रतिपल हमें हर चुनौती से निपटने के लिए स्वयं को सशक्त भी करते रहना है। बदलते हुए भारत ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी नई नीति और नई रीति का परिचय दिया। दशकों के अंतराल के बाद भारतीय वायुसेना आने वाले महीनों में नई पीढ़ी के अति आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल को शामिल करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने जा रही है। मेरी सरकार ने 4 दशकों से लंबित 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है। मेरी सरकार जम्मू लद्दाख और कश्मीर के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में विकास का वातावरण बनना शुरू हुआ है। हाल ही में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 13 वर्ष बाद और पंचायतों में 7 वर्ष के अंतराल के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुए,